ಶಿರಸಾಣಿಂ ಗುಣರಯಣ ವಿಭೂಷಣ ಮಹಾವೀರ ಸಮ್ಮತರಯನ ನಿಲಯಂ ಪಡಿ ಸಮುಕಿತ್ತಣ ವಚ್ಚ ದೂಸರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಲ್ನೆ ನಮಿವೋ ನೇಮಿ ಚಂದಂ ಅಸಹಾಯ ಪರಕ್ಕಮಂ ಮಹಾವೀರಂ ಬಂಧುದಯ ಸತ್ತಜುತ್ತಂ ಓಘಾದೇಸೇಥವಂ ಓಚಂ कल अपने गुणस्थान में बंध अबंध और बंध विच्छुत्ति कितनी होती है वो देखा है। ओघ और आदेश इन दोनों में ये बंध अबंध और बंध विच्छुत्ति की प्ररूपणा यहाँ कर रहे हैं। तो गुणस्थान की अपेक्षा से तो कल देखा है, अब एक 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 मार्गणा लेकर के और उस मार्गणा में भी गुणस्थान, उस मार्गणा में कितने बंध अबंध है और उन मार्गणाओं में जो गुणस्थान जितने हैं उसमें बंध अबंध बंध विच्छुत्ति कितनी होती है वो घटित करेंगे यहाँ पर। 105 गाथा नंबर है। उस गति मार्गणा में पहली गति है नरक गति। अब जब अभी अपने को पहले वहां पर उस गति में कितना बंध हो सकता है, बंध योग्य प्रकृतियां वो देखेंगे पहले। तो वो देखते समय क्या देखना कि वहां से वो जीव मरण करके कहाँ कहाँ जाता है या कहाँ कहाँ नहीं जाता है, उस पर से वहां कितना बंध होता है वो समझ में आता है। जैसे नरक गति का जीव है वो मर करके मनुष्य और तिरंज गति में ही नियम से जाएगा। नारकी मर करके नरक गति में उत्पन्न नहीं होता है और देव में भी उत्पन्न नहीं होता है, और नारकी मरण करके एकेंद्रिय देह में भी जन्म नहीं लेता है, इसलिए उन प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होगा। तो एकेंद्रिय संबंधी सभी प्रकृति, नरक संबंधी प्रकृति और देवगति संबंधी प्रकृति, और छठा गुणस्थान उसको होता नहीं है। जहां पर छठा गुणस्थान है वहीं पर आहारक द्विक का बंध होगा, तो उन प्रकृतियों की क्या होगा, वहां पर बंध नहीं होगा, होगा ही नहीं उस मार्गणा में, इसलिए वो सब प्रकृतियां निकालेंगे। तो अब नरक गति में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है वो निकालना है। पहले कितने का उसको बंध नहीं हो सकता है वो माइनस करेंगे तो बंध योग्य प्रकृतियां निकलेगी। तो पहले क्या कहा, एकेंद्र नहीं होता है, तो एकेंद्र संबंधी कौन कौन से आ जाएगी उसमें, एकेंद्रिय स्थावर आतप सूक्ष्मत्रय विकलत्रय, द्विंद्रय त्रिंद्रय चतुरिंद्रय में भी जाता नहीं है तो सूक्ष्मत्रय विकलत्रय, नरक में जाता नहीं तो नरक संबंधी नरक द्विक नरकायु, देव में जाता नहीं तो देव चतुष्कर देवायु। चतुष्क वहां क्यों लिया, क्योंकि वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग उसका भी बंध नारकी नहीं करेगा। तो इतनी प्रकृति और आहारक द्विक, हाँ वैकृत काष्टक भी कैसा, एकेंद्र संबंध मुझे एकेंद्र, हाँ मतलब हाँ उसको एकदम सरल भाषा में पहले गुणस्थान में जो बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियां है कितनी है, 16 है, उसमें पहले 4 छोड़ो बाकी आगे की 12 प्रकृतियां नर गति में बनती नहीं है। कौन से, एकेंद्रिय स्थावर आतप, कुल मिलाकर के 19 प्रकृतियां अबंध है। तो उसमें पहले गुणस्थान की पहले 4 छोड़ करके आगे की 12 प्रकृतियां, 12 कौन कौन सी है, वह एक केंद्रीय आदि 3 सूक्ष्मत्रय त्याच्यात घ्या पाहिजे, पहिलीत नाही मिळत वेळ जाणार जास्त, त्याच्यात नंतर आल्यावर तिथे घ्या पाहिजे। सूक्ष्मत्रय ए पहिले गुणस्थान की 12 प्रकृतियां, और उसमें क्या जोड़ेंगे, देवगति संबंधी म्हणजे वैक्रेक देव चतुष्क, देव चतुष्क देवायु, ये 5 प्रकृतियां हो गई, देव चतुष्क देवायु और दो
आहारक द्विक। कितनी हो गई? 19 प्रकृतियां हो गई। 12 और 5 17 और 2 19। 12 कौन से? मिथ्यात्व गुणस्थान की लगाना, पहली चार छोड़ करके। मिथ्यात्व गुणस्थान में जिनकी बंद विच्छुत्ति होती है वे पहली चार छोड़ करके आगे के 12। एक इंद्र स्थावर आतप, सूक्ष्म अपराप्त साधारण, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, नरगति नरगत्यान पूर्वी और नरकायु। और आगे देव संबंधी 5 और आहारक दिख। इन 19 प्रकृतियों का बंध नारकी करता ही नहीं है, इसलिए वो 19। तो 120 बंध योग्य है, उसमें से 19 कम हो गए तो कितने रह गए? बंध, मतलब नरक गति में नाना जीवों की अपेक्षा से बंध होगा तो 101 प्रकृतियों का ही होगा। नरक गति अब उसमें भी अब नरक की अपेक्षा से लगाएंगे, सामान्य नरक हो गया। पहले नरक में और दूसरे आदि नरकों में जो है उसकी अपेक्षा से फर्क होगा। तो पहले नरक में जो सामान्य नरक में बताए वही बंध योग्य और अबंध प्रकृतियां होगी, क्योंकि वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। पहला दूसरा और तीसरे 3 नरक आएंगे ना, पहले दूसरे तीसरे नरक में ऐसा ही लगाएंगे 1 से 3 नरक ऐसा ही आएगा। अब चौथे नरक से 5 6 नरक तक फिर अंतर हो जाएगा, क्योंकि वहां के नारकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करे, मतलब तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंध किया है वह जीव तीसरे नरक से आगे नहीं गमन करता है, तीसरे पृथ्वी तक ही जाता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति और एक बंध में से कम होगी। तो ऊपर यहाँ कितने आगे नीचे लिखना है? 4 से 6 नरक। ऐसे 7वां नरक भी एक बाद में लेंगे उसको, एक प्रकृति कम की वो लिखी नहीं उसने। तो यहाँ बंध योग्य कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, 100 प्रकृतियां हो जाएगी। और यहाँ अबंध में 20 आएगी, तो ऊपर के 19 और 1 कौन से? तीर्थंकर। और 7वां नरक, 7वें नरक में मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है, क्योंकि 7वें नरक का नारकी मर करके मनुष्य नहीं होता है, इसलिए मनुष्य आयु का उसको बंध नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी नहीं होता होगा, मनुष्य आयु का नहीं होता तो उसका भी नहीं होना चाहिए ना। तो वहां पर चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्य दर्शन होने से तिरंचे गति तिरंचे गत्यान पूर्वी के तो दूसरे गुण स्थान में बंध विच्युति हो जाती है, और देना गति और देव गति का बंध करता ही नहीं है। अब गति का तो बंध नियम से होगा, तो फिर इसलिए क्योंकि गति का बंध हुआ तो भी वो जाना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आयु का बंध किया तो वहां नियम से जाना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य आयु का तो बंध नहीं करता है, लेकिन मनुष्य गति मनुष्य गत्यान पूर्वी का बंध वो चौथे गुणस्थान में करेगा, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में नहीं करेगा, तीसरे में भी करेगा, तीसरा और चौथा पहले और दूसरे गुणस्थान में नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर एक मनुष्य आयु कम करना है तो 99 बंध योग्य हुई और अबंध 21 हुई, ऊपर की 20 और 1 मनुष्य आयु। तिथे 4 ह्याच्यामध्ये लिहायचे राहिले तुम्ही लिहा पाहिजे, तर चार्ट मध्ये नोट्स मध्ये ते मनुष्य आयु लिहायचं राहिले तिथे एक मनुष्य। अब नरक गती में अपर्याप्त अवस्था निवृत्त पर्याप्त अवस्था होगी तो वहां पर कितना बंध होगा? ये पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है। अब निवृत्त पर्याप्त अवस्था में बंध नहीं होता है, किसका बंध नहीं होता है? तो आयु का बंध नहीं होता है निवृत्त पर्याप्त अवस्था में, इसलिए अपर्याप्त का अलग कोष्ट करते हैं। तो वहां पर बंध योग्य कितनी होगी? अपर्याप्त मैंने निवृत्त पर्याप्त लेना नरक गति में, उसमें भी 1 से 3 नरक।
उसमें एक एक नरक का अलग आएगा, हाँ, क्योंकि वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, दूसरे तीसरे नरक में नहीं होता है। पहला नरक लेती हूँ, एक नरक मतलब प्रथम नरक, तो वहां पर्याप्त अवस्था में 101 थी और अपर्याप्त अवस्था में वहां 99 प्रकृतियों का बंध होगा, तो कौन सी कम होगी? दो, यहां 21, तो पर्याप्त की 19 और उसमें दो मिलाना आयु मनुष्य और तिरंचा, यहां आयु दो वही है, तो 21 प्रकृतियां हो गई। हर बार लौरत पर्याप्त अवस्था में चारों आयु का बंध नहीं होता है, लेकिन यहां पहले दो आयु तो पहले निकली हुई है और मनुष्य और तिरंचा का बंध हो सकता है, लेकिन वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में उसका बंध नहीं होगा। और दूसरे और तीसरे नरक में वहां निवृत्त पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं होगा, इसलिए सब छठे नरक तक ले सकते हैं। दो से मतलब क्या है कि वहां पर मूल में नहीं होता है, लेकिन यह पर्याप्त अवस्था में हो सकता है, लेकिन निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। इसलिए दो तीन अलग लिखते, दो तीन, तो यहां पर और एक कम हो जाएगी, 98 ये 22 हो जाएगी, इसमें ये उपर्युक्त 21 और उसमें एक तीर्थंकर बढ़ाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है निवृत्त पर्याप्त अवस्था में। दूसरा तीसरे नरक में पर्याप्त अवस्था में तो होता है, लेकिन जब वो अपर्याप्त रहता है तब नहीं होता है। और चौथे पांचवे छठे नरक में क्या होगा? ऐसी स्थिति होगी, उसमें भी यहाँ पर्याप्त अवस्था में 100 होता था, उसमें दो आयु कम करेंगे, तो वहां पर भी चौथा पांचवा और छठा नरक, तो वहां पर भी 98 ही होंगे और 22 ही अबंध होंगे, और यही 22 होंगे। और सातवा नरक, यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में कितने होते थे? 99, अब यहाँ निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कितने होंगे? 97। हाँ, उसमें और ये दो कम हो जाएंगे ना, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्व, क्योंकि वहां निवृत्त पर्याप्त अवस्था में एक मिथ्या तो गुणस्थान ही होगा। सातवें नरक में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कितने हैं? एक ही है, कौन सा? पहला ही है, और वह पहले गुणस्थान में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्व का बंध करता नहीं है, इसलिए वो भी मूल बंध में से निकल जाएगी। उच्च मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्व उच्च गोत्र, मनुष्य तो पहले निकाली हुई है, तो इसमें निवृत्त प्राप्त अवस्था में तो आयु का बंध होता नहीं है, तो यह कितने हो जाएंगे? 95। तो अबंध कितने हो जाएंगे? 25, मतलब ये जो ऊपर 22 है, ये 22 यही हो गए, यह तीन मिलाओ, मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। ऐसे थोड़े थोड़े नियम याद रखेंगे ना तो बराबर समझ में आता है कि कहां पर क्या नहीं होता है। कि सातवें नरक में पहले दूसरे गुणस्थान में मनुष्य गति का बंध नहीं करता है, तीसरे चौथे गुणस्थान में करता है, इसलिए वहां पर्याप्त अवस्था में तो उसका बंध लिया चौथे गुणस्थान की, तीसरे चौथे की अपेक्षा, लेकिन यह निवृत्त पर्याप्त अवस्था सातवें नरक में केवल एक मिथ्यात्व ही होता है। दूसरे नरक से लेकर के सातवें नरक तक निवृत्त प्राप्त अवस्था में एक ही गुणस्थान है मिथ्यात्व, क्योंकि पहले नरक में ही चौथा गुणस्थान लेकर के जाता है, बाकी सब नरकों में मिथ्यात्व गुणस्थान में ही जाता है, सम्यक लेकर के जाता नहीं है, इसलिए वहां पर ये हो गया। तो नरक गति में ये बंध अबंध बताया, अब यहां गुणस्थान में लगाना है, तो नरक में कितने गुणस्थान होंगे? चार गुणस्थान, तो पर्याप्त अवस्था में पहले लगाएंगे पर्याप्त, तो सामान्य नरक की अपेक्षा से पहले लगाएंगे। यहाँ जो चार पांच छह में जो है ना, 22 प्रकृति
वही वही समान है, दूसरे तीसरे क्या हाँ जो आपका हाँ वही प्रकृति है वहां पर भी नहीं है, लेकिन 22 वो तो यहाँ 20 थी ना, इसमें दो आयु मिक्स करेंगे तो वो 22 हो जाएगी। ये 22 में दो आयु कम की है ना, वही 22 यहाँ पर है, प्रकृतियां समान है ना दोनों में। हाँ मतलब ये 22 कौन सी है, वही 22 यहाँ पर है। तो ह्याच्यातपण तीर्थंकर आहेच की नाही, काढायचंच आहे की ह्याच्यातलं पण काढायचं आहे, यहाँ पर भी तीर्थंकर निकालना ही है और यहाँ पर भी तीर्थंकर निकालना ही है, अबंध ही करेंगे ना। 22 प्रकृतियां सेम है दोनों, हाँ लेकिन यहाँ पर क्या था, पर्याप्त अवस्था में 19 हाँ पर्याप्त अवस्था में यहाँ 19 थे ना, नहीं हाँ 20 थी, और उसमें केवल एक तीर्थंकर 19 थी और उसमें तीर्थंकर और दो आयु ऐसे तीन मिलाए तो 22 हो गई। अपने यहाँ यहाँ जो 21 है वो 21 लेकर के किया ना, यहाँ पर ये 21 जो है वो 21 और उसमें तीर्थंकर बढ़ाओ तो 22 हो गई, और यही 22 प्रकृतियां यहाँ पर भी है। और पर्याप्त की तुलना करेंगे तो यहाँ 19 है दूसरे तीसरे नरक में, उसमें और तीन प्रकृतियां मिलाओ मतलब तीर्थंकर और दो आयु तो ये 22 हो जाएगी, और यहाँ 20 है उसमें दो आयु बढ़ाओ तो 22 हो जाएगी। अब यहाँ नरक में गति की अपेक्षा से बंध अबंध और बंध विच्छुत्ति लगाना है, तो वहां सामान्य नरक में बंध योग्य कितनी प्रकृतियां हैं, 101 है, 101 बंध योग्य है। अब उसमें से देखना है पहले गुण स्थान में किसका बंध नहीं होता है, बताया था कल नियम तीर्थंकर आहारब्धि का, वह आहारब्धि की यहाँ पहले ही निकाली हुई है, तो जो तीर्थंकर प्रकृति बंध योग्य है लेकिन पहले गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा, इसलिए आबंध में क्या आएगा, एक। और बंध में 101 में से एक कम करो तो कितना होगा, 100। और बंध विच्छुति वहां पर अभी बताया था कि वो 19 में मिथ्यात गुण स्थान की जो ऊपर की 12 प्रकृतियां हैं वो पहले अपने अबंध में निकाली है, तो उसकी बंध विच्छुति करने की जरूरत नहीं ना यहाँ पर, तो इसलिए बचेगी कितनी, 4 ही बचेगी। तो 4 प्रकृतियों की यहाँ पर क्या होगी, बंध विच्छुति, कौन सी 4 आएगी, मिथ्यात्व, उंडक संस्थान, असंप्राप्ता सुरुकाटिका सवनन और नपुसक वेद, ये 4 पहली जो है वही यहाँ बंध विच्छुति होगी। आपको भी बताना आना चाहिए नमिता दीदी और गीता दीदी, एक एक को पूछूंगी मैं बाद में। 4 और 1 कितने हो गए यहाँ पर, 5। दूसरे गुण स्थान में अबंध 5, यहाँ कोई नया कुछ ये नहीं होता है इसलिए। और बंध योग्य कितने हो गए, 101 में से 5 कम करेंगे तो 96। दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुति कितने होते, सामान्य गुण स्थान में 25 होती है, और यहाँ पर कितनी होगी, 25 ही होगी, क्योंकि सभी प्रकृतियां ना यहाँ पर कुछ कम नहीं हुई है, तो 25 की 25 सब बंध विच्छुति होगी। गुणस्थानवत समझना, मतलब जो सामान्य गुणस्थान में जो बताई है वही है, कौन सी है वही, मतलब बताओ श्वेता सांगा, एक 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 सांगा सगळ्या, नाही सांगा। आणि आता थांबली इथेच गाडी, पाठ केलं नाही, 4-4-4 करायचे एक राहिले की अजून, 4-4-4 करायचे, 3-3-3 करायचे, आणि आता त्याचे 3 करायचे पूर्ण, स्त्रीवेद निजगोत्र आणि अप्रशस्त विहायोगती, आणि इकडं 4-4 कोणतं राहिलं, शतार चतुष्क, दुर्भगत्रय स्थानत्रिक दुर्भगत्रय और 3 अलग अलग छुट्टी जो है, स्त्रीवेद अप्रशस्त विहायोगती और निजगोत्र, तो ये 25 प्रकृतियां हो गई।
अब 25 और 5 कितनी होती है 30। मिश्र गुण स्थान में क्या होता है बताया था नियम, आयु का बंधन नहीं होता है। तो यहाँ कितनी आयु है इसमें बंधु यज्ञ में, एक केवल मनुष्य है, तेरे चाहिए कि तो यहाँ बंधु विच्छुति हो गई दूसरे में, तो एक आयु बची है मनुष्य आयु, उसका भी बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होगा। तो क्या हो गया 25 और 5 30 और 1 31 मनुष्य आयु बढ़ गई। और बंध योग्य 101 में से 31 कम हुई, 70 बंध योग्य हुई। और यहाँ मिश्र गुण स्थान में कितनी की बंध इच्छुति बताइए सामान्य गुण स्थान में, और शरीर कितनी साइन लेते अस्मिता कितनी साइन ले, तीसरे गुण स्थान बंध इच्छुति नहीं, झीरो है। सामान्य गुण स्थान है तो पहले पाठ पाइजे प्रकृति। चौथे गुण स्थान में अब वापिस बंध प्रारंभ होता है, किसका कशाचा बंध चालू मनुष्याचा, आणि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होगा। तो 31 में से 2 कम हो जाएगी बंध में 29, और वो 2 बंध में बढ़ जाएगी 72 हो जाएगी। और यहाँ पर बंध विच्छुति कितनी होती है चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृति के, और यहाँ विच्छुति कहो न कहो आगे गुणस्थान ही नहीं है, इसलिए वो उपचार से ही कहना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक तो 72 का बंध होता ही है, आगे गुणस्थान न होने से बंध विच्छुति कहीं नहीं तो चलता है। ये सामान्य नरक की अपेक्षा से बताया, 72 से पुढचा गुणस्थानच नहीं ना, विच्छुति नहीं है ऐसे देखा जाए तो। अब सामान्य नरक का ये बताया चार्ट, अब पहले नरक में देखेंगे तो यही चार्ट होगा, मतलब उसमें प्रथम नरक में सामान्य नरक का जो किया है वही सब होगा, क्योंकि उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यहाँ पर भी हो रहा है तो कुछ अंतर नहीं होगा। दूसरे और तीसरे नरक में भी ये चला ना, पहले दूसरा और तीसरा नरक इसमें कुछ अंतर नहीं होगा, सामान्य नरक का है वही वहां पर भी होगा, अपर्याप्त अवस्था का लगाते समय अंतर होगा, वो प्रकृति में खाली फर्क पड़ेगा। और सातवें नरक की अपेक्षा से लगाएंगे, एक से तीसरे नरक तक ऐसा ही है, और चौथे से लेकर छठे तक, हाँ पहले लगाएंगे ना चौथे से छठे तक। तो वहां बंध योग्य कितनी बताई, 4 से 6 नरक तक 100 बताई, 100 प्रकृति। अब वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है चौथे नरक में नहीं होता है, तो अबंध नहीं रहेगा, बंध योग्य 0 रहेगा यहाँ पर, और 100 की 100 बंध रूप है, उसमें से विच्छुति 4 की होगी, और यहाँ अबंध में फर्क होगा, 4 ही रहेगी, और यहाँ विच्छुति में वही रहेगी 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, और एक मनुष्य ही मिलाएंगे तो क्या हो गया 30, मतलब केवल अबंध में फर्क हो गया, बाकी कुछ फर्क नहीं है। और यहाँ पर 29 होगी क्योंकि एक मनुष्य का बंध प्रारंभ हो गया, और 71 होगी यहाँ पर 71, और यहाँ बंध विच्छुति कहो तो 10 होगी। ये कौन से हो गए 4 से 6 नरक, केवल अबंध में एक कम हुई इतना ही फर्क हुआ, और कुछ फर्क नहीं है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। अब सातवें नरक की अपेक्षा से लगाएंगे, सातवें नरक में बंध योग्य कितनी बताई 99 बताई। अब उसमें तो यहां अबंध में क्या आएगा, पहले गुणस्थान में अभी नियम बताया था कि सातवें नरक में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानपुरी उच्च गोत्र, इसका बंध केवल चौथे तीसरे चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से रखा है, पहले दूसरे गुणस्थान में इसका बंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ 3 प्रकृतियां अबंध में आएगी। और यहाँ बंध कितने का होगा 99 में से कम करेंगे 3 कम करेंगे तो 96, बंध विच्छुत्ति 4 की ही होगी,
हाँ यहाँ पर उसका आयु का बंध आगे नहीं होगा ना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में वहां आयु का बंध होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में मरण भी नहीं होता है वहां, इसलिए दूसरे गुणस्थान में आयु का बंध भी नहीं होता है। और चौथे गुणस्थान में भी आयु का बंध नहीं होता है, पहले गुणस्थान में आयु का बंध होगा, इसलिए यहाँ पर 5 हो जाएगी। एक यहाँ बढ़ जाएगी तिरेंच आयु। बस इसकी विच्युति अपन सामान्य में दूसरे गुणस्थान में करते थे, लेकिन सातवें नरक में नियम है। सातवें नरक की अपेक्षा ये नियम बताया कि आयु का बंध पहले गुणस्थान में होगा, क्योंकि पहले गुणस्थान में ही वहां मरण होता है। अब आगे 5 और 3 कितने हो गए? 8। और बंधयु की कितनी है? 99 है, उसमें से 8 कम करेंगे तो 91 प्रकृतियां बंध योग्य होगी। और यहाँ बंध विच्छुत्ति कितनी होगी दूसरे गुणस्थान में? कौन से कम हो गए? तिरंचायु का बंध पहले गुणस्थान में किया, इसलिए यहाँ 25 थी वो 24 हो जाएगी। यहाँ गुणस्थान में जो है उसमें से -1 करेंगे। कौन सी? तिरंचायु गुणस्थानवत 25 में से 1 कम करेंगे। अब यहाँ तीसरे गुणस्थान में 24 और 8 कितने हो गए? 32 हो गए। और यहाँ हाँ, अब जो पहले गुणस्थान में अबंध में थी उसका बंध यहाँ प्रारंभ होगा तीसरे गुणस्थान में, तो क्या होगा फिर? अबंध में से कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? ये 24 और 8 32 हो गए। अब 3 यहाँ किसमें आ गई? बंध में आ गई, इसलिए अबंध में से कम होगी। 32 में से 3 कम करेंगे तो कितना होगा? 29 प्रकृतियां अबंध हो जाएगी। और 99 में से 29 गई तो कितने रहे? 70 प्रकृतियों का बंध होगा। और यह बंध विच्छुति कुछ नहीं है। और 29 अब चौथे गुणस्थान में अबंध 29 ही रहेगी, बराबर है कि 29 ही रहेगी और बंध 70 का ही होगा। और विच्छुति जो है वह मनुष्यायु का तो वहां पहले से निकाला हुआ है, इसलिए 10 नहीं लेकर के 9 की विच्छुति होगी। 9 कौन कौन से होगी वर्षा दीदी? चौथे गुणस्थान पहला पसंद आगे से व्यवस्थित। 10 कौन सी है? हाँ थोड़ा पट सांगताल पे जेवढं वेळ तुमच्या सारख्यांनी लावल्यावर मग काय? औदारिक द्विक, मनुष्य द्विक, वज्रषभ नारद संवनन आणि मनुष्यायु हे 10 होत्या, त्यातला तर मनुष्यायु नाही, म्हणून किती होणार? 9 प्रकृती। 10 दुसरे के बाद तिरंचायु का बंध दूसरे से आगे कहाँ होता है? समय दृष्टि तिरंचायु का बंध नहीं करता है ना, इसलिए वो पहले ही निकालनी पड़ेगी ना उसको। 10 में से कौन सी कम किया? मनुष्यायु तो पहले कम की हुई है। तो इस प्रकार सातवें नरक में ये बंध विच्छुत्ति का ये बताया। अब निवृत्त प्राप्त अवस्था में नरक में कितने गुणस्थान होते हैं? मृदुला दीदी बताओ। पहला और दूसरा नरक गति में मरण करके दूसरा गुणस्थान लेकर के जाता नहीं है, तो फिर निवृत्त प्राप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान कैसे होगा? तो पहला और चौथा दो ही, वो भी पहले नरक की अपेक्षा से पहला और चौथा दो ही होंगे यहाँ पर। तो वहां निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कितने का बंध बताए? पहले नरक में 99 प्रकृति का। यह अपर्याप्त की अपेक्षा से है। तो पहले गुणस्थान में वहां
इसका अवबंध होगा 99 में से तीर्थंकर प्रकृति और आयु का तो पहले से निकाल ही दिया है ना, पहले गुणस्थान में क्या बनती है, अबंध होगी ना। हाँ, पहले गुणस्थान में, पहले नरक में पहले गुणस्थान, निवृत्ति प्राप्त अवस्था में दो ही गुणस्थान होंगे, ये दो गुणस्थान नहीं होंगे। तो पहले गुणस्थान में अबंध एक होगा, बंध 98 होगा, बंध विच्छुत्ति चार की होगी ना, चार की होगी तेरे अंचा भी नहीं। अरे हाँ, ये जो एक मिनट यहाँ पर जो आगे 25 प्रकृतियां हैं, अब दूसरा गुणस्थान नहीं है, चौथा ही डायरेक्ट है, तो यहाँ की जो बंध विच्छुत्ति की प्रकृति है पहले में निकालेंगे। तो यहाँ 25 थे, उसमें से 24 ही लेना है, क्योंकि एक आयु का तो पहले निकाला हुआ है, आयु का बंध नहीं होता है। तो यहाँ 4 और 24 मिलकर के पहले और दूसरे गुणस्थान की मिला करके 28 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति करेंगे निवृत्त प्राप्त अवस्था में। जो बीच के गुणस्थान नहीं है तो वो जो आगे के गुणस्थान की विच्छुत्ति है वो पहले गुणस्थान में ही निकालेंगे उसको। अभी आए दो गुणस्थान है ही नहीं है, चौथा गुणस्थान है तो वहां पर अबंध कितना हो जाएगा, 28 और एक 29 होना चाहिए, लेकिन एक का बंध यहाँ पर प्रारंभ हो गया तीर्थंकर प्रकृति का, इसलिए कहा पर विच्छुति में। हाँ हाँ, बंद विच्छुति में आकृति ले लिया, विच्छुति में ले लिया, इसका अर्थ अबंध में नहीं ले लिया तो उसमें बंद होता है, हो जाएगा का विच्छुति में का नहीं लिया, वो भी निवृत्ति प्राप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है ना, 99 जो प्रकृतियां है उसी में आयु नहीं है, वो निकाले ना वहां पर, दो आयु को निकाला है पहले, इसमें आयु है ही नहीं है। तो 28 और 29 होती थी, लेकिन वापिस एक मतलब इसका बंध प्रारंभ हो गया, इसलिए अबंध 28 ही होगा, और बंध 99 में से 28 गए, 71 प्रकृतियों का बंध होगा, और यह बंध विच्छुत्ति मनुष्य का पहले निकाला हुआ है, इसलिए 9 का ही बंध विच्छुत्ति होगी। नरगति का पूरा हो गया, उतनी गाथाएं पढ़ते अपन। एक 105 नंबर की गाथा पढ़ना है। ओ घेवा आदेशे नारयमिच्छं मे चारि ओच्छिन्ना वरिम बारस सुरचौ सुराउ आहारयम बंधा। घेवा आदेशे, वाकार्त इव लेना यहाँ पर, वाकार्त इव मतलब समान, ओग के समान मार्गणा में भी सब समझना, तो वहां विशेषता जो है वो बताते हैं। नारयम इच्छम में चारे ओच्छिन्ना, विशेषता ये कि नरक गति में मिथ्यात्व अवस्था में मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 की विच्छुति न होकर के 4 की विच्छुति होगी, 4 प्रकृति विच्छिन्न होती है मतलब बंध में से कम होती है। उवरिम 12 और उसके ऊपर की जो 12 है, कुल 16 में से पहली 4 छोड़ करके ऊपर की 12 प्रकृतियां, सूरचौ मतलब देव चतुष्क, सुराव मतलब देवायु, और आहारयम अबंधा, आहारक जो है वो अबंध है, मतलब इसका बंध नरगति में होता ही नहीं है। कितनी हो गई है अबंध की, सग एक एक नियम सगे पाठ पाहिजे, तुमच्या लक्षात राहिलं पाहिजे, किती होईल, 19 प्रकृत्या हो गई मिथ्यात्व की, 12 प्रकृतियां मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति की ऊपर की 12 प्रकृतियां, देव चतुष्क, देवायु, आहारक, द्विक, ये 19 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अब आगे और नियम बताते हैं, गाथा नंबर 106। बदे वंसा में घाण पुण्य गो जीव छटो तिय मण वाऊ चरे में मिच्छे वतिरिया है, उसमें तित्तम बंध दी,
तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और वंशा मेघान पुण्य गोछेव, मतलब पहली पृथ्वी में पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, लेकिन दूसरे और तीसरे नरक में केवल पर्याप्त अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। ये सब नियम याद रहेंगे तो सब जगह अपने को काम आएंगे। छठो तेज स्थान वगैरह करेंगे आगे, बंद स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, सभी जगह ये नियम लगते हैं। और नियम क्या, छठो तीय मनोवाऊ, मनुष्यायु का बंद छठी पृथ्वी तक ही होता है। छठवें नरक तक के नारकीय मरण करके मनुष्य हो सकते हैं, इसलिए वहीं पर मनुष्यायु का बंद होता है। और चरे में मिच्छेव तिर्याऊ, मतलब संक्षेप में नियम बताते हैं वो बाकी सब जान लेना। छठे तक मनुष्यायु का बंद होता है इसका अर्थ होगा सातवें में मनुष्यायु का बंद नहीं होता है। नहीं, वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं, वो नहीं लेना है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का नियम बताया, पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, दूसरे तीसरे में भी होता है, लेकिन केवल पर्याप्त अवस्था में ही होगा, ये नियम बताया। और वंशा मेघान पुण्य गोचेव, वंशार मेघा में पर्याप्त में ही बंद होगा। और छठोत्ती छठे नरक तक मनुष्यायु का बंद होता है, मतलब एक से छह तक मनुष्यायु का बंद होगा, आगे बंद नहीं होगा। और चरी में मिच्छेव तिर्याऊ, चरी में मतलब अंतिम पृथ्वी में मिथ्यात अवस्था में ही तिरेंचायु का बंद होता है, आगे बंद नहीं होता है, इसलिए वहां पर विच्छुति करना है। आप सब इतना नियम समझ करके सब कोष्टक बना दो तो बराबर आएंगे कोष्टक। और एक गाथा है 107, वीरदे उच्चम मनोवदुगम सत्तमे हवे बंधो मिच्छा शासन सम्मा मनुवदुगुच्चम न बंधन्ति। और नियम बताया कि मिस्सा विरदे उच्चम मनुवदुगम सत्तमे हवे बंधु, सातवें पृथ्वी में मिश्र और अविरत गुण स्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य द्वीप का बंध होता है। इसका अर्थ पहले दूसरे में वो दिया भी निषेध रूप से नीचे, मिथ्या शासन सम्मा, मिथ्या दृष्टि और शासन सम्मे दृष्टि, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानपुरी और उच्च गोत्र इनका न बंधनती, बंध नहीं करते हैं। मतलब सातवें नरक में मनुष्य समझन लगातार यदि वह मिथ्या दृष्टि रहा तो मनुष्य गति का बंध करेगा ही नहीं। और सम्यक तो प्राप्त किया, उत्कृष्ट काल सम्यक तो का भी कितना बताया है, पहले अंतर्मुहूर्त और लास्ट का अंतर्मुहूर्त छोड़कर बीच में 33 सागर तक वह सम्यक दृष्टि रह सकता है। और तो 33 सागर तक लगातार मनुष्य गति का बंद करेगा और उत्पन्न कहाँ होगा, तिरंजय गति में उत्पन्न होगा। वो मनुष्य गति बाद में काम आएगी, अभी कुछ कम नहीं आएगी, क्योंकि वहां नियम से तिरंजय का बंद करेगा, लास्ट में पहले गुण स्थान में आएगा, वहां तिरंजय का बंद करके फिर मरण करेगा और तिरंजय गति में उत्पन्न होगा। वो पहले बहुत स्टॉक है ना बंदा हुआ, और सब मनुष्य गति सब तिरंजय गति रूप से परिणमित हो जाएगी ना, संक्रमित सत्ता में तो सब पड़ा हुआ है, और सत्ता में जो तिरंजय गति है उसके साथ में मनुष्य गति, नर गति, देव गति भी है उसके साथ में, वो सब तिरंजय गति रूप से स्त्रीभुक संक्रमण हो करके उदय में आएगी नियम से। स्त्रीभुक नहीं, उद्वेलन नहीं, उद्वेलन प्रकृतियां तो केवल 13 ही प्रकृतियां हैं। स्त्रीभुक संक्रमण मतलब जिसका उदय है उस रूप से, जिनका उदय नहीं है वे परिणमित होकर के उदय में आती है, एक एक समय में केवल स्त्रीभुक संक्रमण उसी को कहते हैं। पांच संक्रमण को छोड़कर स्त्रीभुक संक्रमण नाम आता है। तो जो गति का उदय चल रहा है, बाकी सब है ना 148 प्रकृतियां है, उसमें से दो आयु का छोड़ करके 146 का सत्व रह सकता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करता है वह जीव तो 145 का, आहारक चतुष्क का नहीं करता है तो 41 का, 141 का, इतना सत्व तो अपने पास रहता ही है। सभी प्रकृतियां बंधी हुई है ये छोड़ करके, आहारक द्वेक, तीर्थंकर और दो आयु छोड़ करके,
बाकी सब सत्ता में तो नियम से होगा ना? और यदि वो सम्यक तो नहीं प्राप्त किया है, कभी भी अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके और दो नहीं होंगे, सम्यक मिथ्या तो और सम्यक तो प्रकृति, और सबकी वो निषेक धारा निषेक रचना बनी हुई है कि उसके सब परमाणु हर समय में उदय योग्य है, लेकिन उस प्रकृति का जब उदय नहीं है तो अनुदय होता है, तो अन्य उदय सजातीय जो उदय वाली प्रकृति है उस रूप से उसका संक्रमण होकर के उदय में वह प्रकृति आती है। इसलिए ऐसे अंतर किसी का भी नहीं है निषेकों का। पहली बार अंतर करता है जब सम्यक्तों को प्रथमोपशम सम्यक्तों को प्राप्त करता है, तो वहां पर केवल मिथ्यात्व का अंतर करता है, नहीं तो सभी निषेकों का किसी का भी अंतर नहीं है, केवल उसका किसी का उदय होगा किसी का अनुदय होगा, और वहां निषेक तो उसके होंगे ही उस समय में स्थित मनुष्य वो। लेकिन उद्वेलन कौन करता है? वो एक केंद्र में जो गया हुआ जीव है वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। हाँ, द्वितीय ऑप्शन समय तो में तीन प्रकृतियों का करेगा, और जब चारित्र होने की करता है तो 21 प्रकृतियों का अंतरकरण करेगा। तो यहाँ सातवें नरक का ये नियम बताया, मतलब ये सब कर्णानियोग जानने से भी कितने सारे अपने को भाव वासनाएं होती हैं। अब हमने सब कितनी बार पढ़ा हुआ है, कितने कितने भाव में ये सब पढ़ा होगा, लेकिन जैसे अभी 14 गुण स्थान के अपने को बंद बंद विच्छुत्ति बताई, तो खाली हमने याद कर लिया, काम हो गया। किस लिए हम पढ़ रहे हैं? प्रयोजन कभी भूलना नहीं, हम तो अपने मोक्ष मार्ग के लिए पढ़ रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति अंतिम साध्य है, और उस मोक्ष के का कारण जो मोक्ष मार्ग है रत्नत्रय, उस रत्नत्रय की प्रगढ़ता के लिए हम सब पढ़ रहे हैं, ये प्रयोजन कभी भी भूलना नहीं है। तो इसमें से भी अपने लिए अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए। लाइक गुणस्थानों में जब हमने बंध विच्छुत्ति जानी, तो चौथे गुण पहले गुणस्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति हुई? 16 की हुई, दूसरे में 25 की हुई, और 25 और 16 मिलकर के कितने हो गए? 41 प्रकृति। तो एक साथ सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो 41 प्रकृतियों का संवर हो गया, क्या कहते हैं उसको, बंद नहीं होगा मतलब संवर होगा ना। तो चौथे गुणस्थान से संवर का प्रारंभ हो गया। किस कारण संवर हुआ? वहां हम पूजा कर रहे इसलिए नहीं, स्वाध्याय कर रहे इसलिए नहीं, वहां पर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक तो के सद्भाव में ही इन 41 प्रकृतियों का क्या होता है? संवर होता है, उसके बिना संवर नहीं होता है। स्वाध्याय कितना भी हमने किया, व्रतों का पालन किया, सब किया, तो ये सम्यक तो की महिमा आनी चाहिए इसको पढ़ करके, कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो इतनी प्रकृतियों का अपने आप संवर होगा। और आप बिना सम्यक दर्शन के कितना भी तपश्चरण करो तो एक भी प्रकृति का वहां संवर नहीं होगा। और यहाँ 41 में शुभ भी है और अशुभ भी है प्रकृतियां, सब अशुभ ही नहीं है, कुछ उसमें जैसे वो 41 में नहीं, जब मनुष्य गति में अभी बंद विच्छुत्ति देखेंगे तो वहां 25 की जगह 31 प्रकृतियों का संवर होता है। मनुष्य गति मनुष्य गत्यान पूर्वी औदारिक द्वी के पुण्य प्रकृति है ना, उसका भी संवर हो गया। वज्रषभ नारा सवनन उद्योत है आतप है, ये भी सब पुण्य प्रकृति है, इसका भी संवर उग जाता है क्योंकि उसका एक इंद्र के साथ ही बंद होता है। तो ये सब मतलब हम आगे आगे के गुणस्थान में बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा, वो संवर होता जाएगा। और पांचवें गुणस्थान में गए तो और 10 प्रकृतियों का संवर हो गया। तो ये लाभ हुआ, किससे लाभ हुआ? भाव व्रत धारण करने से, भाव सम्यक दर्शन धारण करने से, या भाव मुनिलिंग धारण करने से ही ये सब लाभ होगा। इसलिए रत्नत्रय की महिमा आनी चाहिए, बिना रत्नत्रय के हम कितना भी पुरुषार्थ करें तो वह निष्फल है। इसलिए ये मुझे ये संवर कैसे प्रकट हो, अपने जीवन में ये बंद विच्छुत्तियां होनी चाहिए, पुस्तक में हो गई और शब्दों में हो गई, दिमाग में हो गई, लेकिन अपने जीवन में ये बंद विच्छुत्ति नहीं होती है। तो बंद विच्छुत्ति केवल पढ़ करके मतलब समझना और समझने समझ करके हमारे जीवन में उसकी प्रेरणा लेना है। चौथा गुणस्थान जब तक नहीं प्राप्त होगा या नहीं होता है,
या पहले ही अपने जब मंगलाचरण किया था उसमें उन्होंने मतलब निश्चय सम्यक तो किसको कहते हैं, जिसको अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ वही सम्यक दर्शन है ना, निश्चय सम्यक दर्शन। आवाज बारीक करो थोड़ा सा। तो वहाँ पहले आया था ना, ये पहला ही पेज पर जो पहला मंगलाचरण था उसका सम्मत रयन निलयम उसका अर्थ किया था कि सम्यक तो रत्न निलयम आत्मस्वरूपोपलब्धि लक्षण। सम्यक तो का लक्षण क्या है, आत्मस्वरूप की उपलब्धि, माने मुझे अपना आत्मा समझ में आ गया, ये सम्यक दर्शन है। मतलब मैं शब्दों से आत्मा नहीं समझना, उस आत्मा को मैं रूप से अनुभव होना, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये आत्मस्वरूप की उपलब्धि है ऐसा अपने को लगे। और वो सम्यक्त्व, और वो सम्यक्त्व ही रत्न जिसका आश्रय है, मतलब उस उनके आश्रय से सम्यक्त्व रूपी रत्न रहता है, वो नैमिना तीर्थंकर का विशेषण दिया था। पहले जीवकांड के में जब मंगलाचरण आया था वहां पर भी उन्होंने ये सम्यक्त्व का लक्षण दिया था, स्वात्मोपलब्धि ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। जब तक आपको आत्मा अपना आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। और वो सम्यक दृष्टि की ही वो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है। मिथ्या दृष्टि भले शब्द से देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के उनको ही माता ठोके, लेकिन उसका सच्चा श्रद्धा नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा समझ में नहीं आए तब तक आर्यांतर समझ में नहीं आते हैं। जिसने आत्मा को स्वरूप जान लिया वही आर्यंत के स्वरूप को जान सकते हैं, नहीं तो हम बाहर के आर्यंत के शरीर को ही आर्यंत मान रहे हैं। उनके जो आत्मा है शरीर से भिन्न और वो अनंत चतुष्टय स्वरूप है, उसकी प्रतीति कैसे होगी आत्मा की प्रतीति के बिना। हाँ, समझला पाहिजे। इसलिए पहले गुणस्थान में जो व्यवहार श्रद्धा है उसको व्यवहाराभास कहा है, उसको व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं कहा है, वो व्यवहाराभास में आता है। आज चरणानुयोग के अपन कोटि में अपने को देखना है, दान देने के लिए अपने को पात्र देखना है, तो उसको व्यवहार से देखो, क्योंकि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है क्या, इन व्रतों का पालन करता है क्या, तो वो दान देने के लिए पात्र है। तो पात्रता दान देने के लिए देखते तो वहाँ से व्यवहार से देखो, लेकिन उसका गुणस्थान तभी होगा जब वो सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन होगा तभी। अब आगे मतलब ये सब जीवन होना चाहिए, ये जो आगम लिखा है वो सब अपना जीवन है, जो ज्ञानी का जीवन है वो आगम में लिखा हुआ है, और वो जीवन अपना अपना हो जाए तो ज्ञानी का जीवन होगा। तो आगे अब तिर्यंचय गति का लगाते हैं, दूसरी गति तिर्यंचय गति है ना, तो तिर्यंचय गति में बंध बंध योग्य कितनी प्रकृतियां है उसको पहले अपन देखते हैं। ये नोट्स है ना, इसमें नियम नियम है वो याद करना आप, जैसे 25वें पेज पर नरक गति के जितने नियम है वो सब लिखे हुए हैं वहां पर, सब जगह नियम दिए हुए हैं जो विशेष है वह। अब तिर्यंचय गति में बंध योग्य कितनी है, तो कल एक नियम बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव तिर्यंचय गति में उत्पन्न नहीं होता है, मनुष्य गति में भी वो नहीं वहाँ नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन देव गति से आकर के वापस मनुष्य गति में आ सकता है ना, या नरक गति से आ सकता है, उस अपेक्षा से तो वहाँ ये होगा, लेकिन तिर्यंचय गति में किसी भी अपेक्षा से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। और छठा गुणस्थान भी तिर्यंचय गति में नहीं है, इसलिए छठे गुणस्थान में ही बंधने वाली कौन सी प्रकृति है गीता दीदी, छठे गुणस्थान में ही जिसका बंध हो, छठे गुणस्थान में नहीं, सातवें गुणस्थान से ही जिसका बंध प्रारंभ होता है, छठे गुणस्थान में उदय है, सातवें और आठवें गुणस्थान में जिसका बंध होता है ऐसी कौन सी प्रकृति है, आहारक द्विक, तो उसका बंध तिर्यंचय गति में होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए तिर्यंचय गति में अबंध में कितनी प्रकृति आएगी, तीन प्रकृतियां आएगी। आता से आता झाला असेल मी ते घाकरल्यामुळे झालं। तिर्यंचय के भी वेद करेंगे, पहले
सामान्य तिरंचे मतलब तिरंचे की अपेक्षा से लगाते हैं, तो वहां तीन प्रकृतियों का बंधन ही होता है, अभी बताया था। और बंधे हुए कितनी होगी, तीन कम की 120 में से तो 117 प्रकृतियां होगी। कम की हुई प्रकृतियां कौन सी है, तीर्थंकर और आहारक द्विक। नहीं नहीं, वो गुणस्थान में अभी लगाएंगे तो वो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर कितने बंधे योग्य और कितने का अबंध है वो बता रहे। हाँ निकाल ही देना है, तीन प्रकृति उनका बंध तिरंचे गति में होता ही नहीं। हाँ तो ही तो घटवायचे नंतर, सामान्य पहिल्यांदा तिरंचे गति में कितनी बंध है वो निकाल रहे हैं। अब उसमें जो भेद है पांच प्रकार के, उसमें सामान्य तिरंच, पर्याप्त तिरंच, पंचेंद्र तिरंच, पर्याप्त तिरंच और योनिमति तिरंच, और अंतिम भेद है लब्ध पर्याप्त तिरंच। तो जो चार भेद है उसमें भी ऐसा ही होगा, पांच भेदों में चार जो भेद है उसमें भी बंध 117 का और अबंध 3 का होगा। और लब्ध पर्याप्त तिरंच है तो ये पांचवा भेद है तिरंचे में, तो उसमें लब्ध पर्याप्त पांचवा भेद है। ये चार भेद हो गए और ये पांचवा भेद पर्याप्त। हाँ तो वहां पर हमेशा के लिए याद रखना, लब्ध पर्याप्त में नरक गति, देव गति और उसके वैकरेक का बंध होगा ही नहीं, इसलिए सब यहाँ अष्टक आ जाएंगे। नरगति नरगत्यान पूर्वी, देवगति देवगत्यान पूर्वी, वैक्रेक शरीर, वैक्रेक अंगोपांग, नरकायु और देवाय। और यहाँ पर नरकायु देवाय की बजाय हाँ दो आयु होगी, वैक्रेक षटक और दो आयु ऐसा कहो, या वैक्रेक अष्टक कहो, अष्टक म्हटले का त्याला वैक्रेक अष्टक। हाँ आम्ही वैक्रेक षटक आणि दोन आयु असं घेतो, ठीक आहे। हाँ तो ये हमेशा के लिए लब्ध पर्याप्त अवस्था में याद रखना कि वहां पर वैक्रिय अष्टक का बंध होगा ही नहीं। पर एकेंद्रिय का लब्ध पर्याप्त हो, द्विंद्रिय का हो, तिरंचे का हो, मनुष्य का हो, किसी का भी हो, वहां नरक गति और देव गति संबंधी बंध होता नहीं है। तो वैक्रिय अष्टक और दो आयु मनुष्य और तिरंचे का तो बंध वहां होता है, इसलिए वो दो आयु नहीं निकालेंगे, लेकिन दो आयु ही निकाली, नरकायु और देवायु। और तीर्थंकर आहार द्विक का तो बंध होता ही नहीं है, तो कितने हो गए वहां आठ, मतलब ये आठ प्रकृतियां जो है बताया अभी वह वैक्रेक अष्टक, इसका बंध किसी भी लब्ध पर्याप्तक में होगा नहीं। हाँ और एक उनका भी नहीं होता है तीर्थंकर और आहार द्विक का। हाँ तीन तो ऊपर की तीर्थ और आहार द्विक, तो कुल मिलाकर 11 प्रकृतियों उनका बंध कभी भी लब्ध पर्याप्त अवस्था में होगा नहीं। तो 11 यहाँ क्या हो गई अबंध, और कितनी बंध होगी वहां पर 120 में से 11 कम की, तो कितनी हो गई 109 प्रकृतियों का वहां बंध होगा। अब उसमें शक्ति नहीं है ना उतनी, नरक में जाने की भी शक्ति नहीं और देव में भी जाने की शक्ति नहीं है, तो दोनों का बंध नहीं होता है वह। हाँ एक इंद्रिय में या मनुष्य, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्र तिरंच में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, बातें मत करो आपस में। हाँ और आगे जो तिरंच में निवृत्त पर्याप्त अवस्था होगी, सामान्य तिरंच और पर्याप्त तिरंच, पंचेंद्र तिरंच और योनिमत तिरंच, निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कितनी बंध योग्य है वहां अभी बताया था कि किसी भी आयु का बंध होता नहीं है। लब्ध पर्याप्त में तो मनुष्य तिरंच आयु है इसमें, और निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध होता नहीं है। पहले जन्म लेते ही जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक आयु का बंध नहीं होता है, तो इसलिए निवृत्त पर्याप्त इस चार जो भेद है इसमें, चार निवृत्त पर्याप्त की जो अवस्था, इसके लब्ध पर्याप्त का निवृत्त पर्याप्त होने के कुछ सवाल ही नहीं है। निवृत्त पर्याप्त लेकिन वहां पर निवृत्त पर्याप्त अवस्था में
देव गति और देव गत्यान पूर्वी का बंद हो सकता है चौथे गुणस्थान की अपेक्षा लगाएंगे। हाँ मैंने नरक गति नरक गत्यान पूर्वी का नहीं होता है वहां पर। नरक द्वीप का बंद कभी भी निवृत्ति प्राप्त अवस्था में नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होता है तो पहला गुणस्थान में थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनते जाओ नियम। तो पहला जो गुणस्थान है उसमें ना नरक द्वीप का होगा ना देव द्वीप का होगा निवृत्ति प्राप्त अवस्था में, ना वैकृत द्वीप का होगा। लेकिन चौथा गुणस्थान लेकर के जो आता है निवृत्ति प्राप्त मतलब विग्रह गति से लेकर निवृत्ति प्राप्त अवस्था में, देव सम्यक दृष्टि या नरक सम्यक दृष्टि मरण करके चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। तो वे यदि बंद करेंगे तो गति देव गति का ही बंद होता है। तो उसकी अपेक्षा से देव गति देव गत्यान पूर्वी वैकृत शरीर वैकृत अंगुपांग इन चारों का बंद निवृत्ति प्राप्त अवस्था में होता है, लेकिन वो चौथे गुणस्थान में ही होगा, पहले गुणस्थान में नहीं होता है। इसलिए वो लब्ध पर्याप्तक में तो वो निकाला है, लेकिन निवृत्ति पर्याप्तक में उसका बंद होगा किसका, देव चतुष्क का, नरक द्वीप का बंद नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उसका चौथे में तो बंद होता ही नहीं है, पहले में तो ना वैकृत क्षेत्र का सबका नहीं होता है। तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में हमेशा के लिए याद रखना कौन सा बंद नहीं होगा, तीर्थंकर आहारक द्वीप। अभी यहाँ पर तीर्थंकर का बंद तो निवृत्ति प्राप्त अवस्था में सम्यक्तु की अपेक्षा से होगा, तिरंच गति है इसलिए नहीं होगा। मैं हमेशा के लिए मैं बोल रही थी कि वहां पर आहारक द्वीक चार आयु और नरक द्वीक ये आठ प्रकृतियों का बंद किसी भी निवृत्ति प्राप्त अवस्था में नहीं होगा। कौन सी आठ प्रकृतियां बताइए, आहारक द्वीक नरक द्वीक और चार आयु, इन आठ प्रकृतियों का बंध हमेशा निवृत्ति प्राप्त अवस्था कोई भी हो उसमें निकालना। अब विशेष जहां है वो लेना। अब तिरंच गति है तो वहां तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं होता है, इसलिए यहां पर अबंध में कितनी आई, नौ आ गई। और 111 का बंध होगा, ये नौ में क्या लिया, यहां पर तीर्थंकर आहारक द्वीक नरक द्वीक और चार आयु, मतलब किसी भी आयु का बंधन नहीं होता है इस अपेक्षा। वो मध्यम परिणाम का नहीं, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में बंद की योग्यता नहीं है आयु की, मध्यम अंश हो भी सकता है ना वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर आयु का बंध नहीं होगा, पर्याप्त होने के बाद ही आयु का बंध होता है, नहीं होता है। हाँ चले, ये निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी नरक गति और देव गति संबंधी बंध होता ही नहीं है, क्योंकि नारकी और देव उनको तो नरक गति और देव गति संबंधी बंध होता ही नहीं है, और मनुष्य तिरंच हो तो भी वहां पर उस निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में इसको बांधने की शक्ति नहीं है। लेकिन जब सम्यक्त को लेकर के आएगा तो वहां देव चतुष्क का बंध करता है निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में, इसलिए नरक द्वीप का नियम होगा कि नरक द्वीप का बंध कहीं पर भी नहीं होगा निवृत्त पर्याप्त अवस्था में। चौथे गुणस्थान में होगा इसलिए निवृत्त पर्याप्त अवस्था में तो उसको सामान्य में लिया है बंध में, केवल नरक द्वीप को निकाला है। वो निकालेंगे ना, अब जब ये चार्ट लगाएंगे तो पहले गुणस्थान में उसको अबंध में करेंगे। तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में आहारक द्वीक और नरक द्वीक और चार आयु इसका बंध कहीं पर भी होता नहीं है, आठ प्रकृति इसकी ध्यान रखना। और लब्ध पर्याप्तक में वैकृत अष्टक और आहारक द्वीक इस दस का तो, और ये तीर्थंकर ये ग्यारह की ग्यारह, कभी भी लब्ध पर्याप्त का चार्ट लगाएंगे तो वहां ग्यारह प्रकृतियों का बंध होगा नहीं, कोई भी हो मनुष्य हो तिरंच हो कोई भी हो लब्ध पर्याप्त में। और इसमें आठ का नियम है और एक का मनुष्य की अपेक्षा से उसके अपेक्षा से नियम नहीं घटित होगा। अब यहाँ क्या निवृत्त पर्याप्त अवस्था में इतने तीव्र संकलेश भी नहीं होते और इतने तीव्र विशुद्धि भी नहीं होती है,
इसलिए वहां पर न नरक द्वीप का बंध न देव द्वीप का बंध होता है मिथ्यात्व अवस्था में अपेक्षा से। अब उसका लगाना है तिरेंचे गति के गुण स्थान में लगाएंगे उसको। तिरेंचे गति बंध योग्य कितनी बताई वहां पर 117। तो 117 में से पहले गुण स्थान में कौन कौन से बंद नहीं होगा क्योंकि वो तीन जो आबंध में रखते थे वो पहले से निकाल दी है इसलिए आबंध कुछ नहीं होगा जीरो होगा सभी का बंद होगा 117 का बंद होगा। और विच्छुत्ति जो है वहां पर पहले गुण स्थान में कितने की है 16 की वही यहाँ पर भी 16 की विच्छुत्ति होगी दूसरे गुण स्थान में 16 और शून्य 16 ही होगा और 117 में से 16 गया तो 101 होगी बंध योग्य और बंध विच्छुत्ति यहाँ कितने की है 25 की है और यहाँ पर जो है वो तिरियंच और मनुष्य चौथे गुण स्थान में नियम से देवगति का ही बंध करते हैं मनुष्य गति का बंध नहीं करते हैं मतलब सम्यक तो होने के बाद क्या मिलेगा देवगति का ही बंध मिलेगा। आप संकलेश परिणाम करेंगे तो भी देवगति बंधेगी विशुद्ध परिणाम करेंगे तो भी देवगति बंधेगी कैसे भी परिणाम हो चौथे गुण स्थान के योग्य तो वहां पर नियम से देव तो यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में कितने हो गए 25 पहले जो है वह जो सामान्य गुण स्थान में 25 बताई वह और चौथे गुण स्थान में जो ऊपर की 6 मनुष्य गति संबंधी है वो सब यहाँ पर विच्छित हो जाएगी दूसरे गुण स्थान में इसलिए मैंने कहा ना वहां मनुष्य गति में संवर ज्यादा होता है वहां पुण्य प्रकृतियों का भी संवर हो जाता है यह तो 25 और 6 तीसरे में भी नहीं होता है उसका बंध तिरेंचे गति का बंध नहीं होगा और मनुष्य दूसरे में ही होते तीसरे में भी उसको बंध होगा तो देव गति का ही होगा मनुष्य गति का बंध नहीं होता है। तो ये 6 में ऊपर जो चौथे गुण स्थान के ऊपर की है वो लेना मनुष्य द्विक मनुष्य चतुष्क भी कह सकते ना इसको नहीं कहते द्विक औदारिक द्विक अनुवज्रषभ नारद सवनन और मनुष्यायु ये जो 6 प्रकृति है उसकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाते इसका अर्थ तिरियंच जो है वो समय दृष्टि होंगे तो अनियम से देवगति देवायु का ही बंध करेंगे अन्य गति का बंध नहीं करेंगे मतलब मनुष्य गति का बंधन भी नहीं करेंगे। वे 16 और 31 कितनी हो गए नियम तिरेंच और मनुष्य सम्यक्त होने के बाद केवल देव गति का ही बंध करते हैं अन्य किसी गति का बंध करते ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में सम्यक्त है लेकिन वो मनुष्य गति का बंध मनुष्य गति का बंध नहीं करते हैं मनुष्य हो सकते हैं वो तिरेंचे मरण करके जो शायक समय दृष्टि है पहले तिरेंचे बंदी है तो मरण करके वो तिरेंचे भी हो सकते हैं मनुष्य भी हो सकते हैं लेकिन वो इसका बंध नहीं करेंगे वहां पर तिरेंचे गति मनुष्य गति तिरेंचायु या मनुष्यायु का पहले बंध किया हुआ है इसलिए वहां गए वो लेकिन चौथे गुण स्थान में उनको बंध नहीं होगा निरंतर देव गति का ही बंध होगा। कितनी लॉटरी है सम्यक्तों के साथ देखो
चाहिए तो सम्यक तो के टिकट निकालो तो सब लॉटरी लग जाती है अपने आप। तो 31 और 16 या 47 इसलिए यहाँ पर तिरंच और मनुष्य गति में सम्यक्त्व के निमित्त से 47 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। देव और नरक में तो उसमें 41 ही होगी लेकिन यहाँ पर 47 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। नहीं अभी यहाँ पर बताना है वो रह गया। तीसरे गुण स्थान में देवायु का भी बंध नहीं होगा इसलिए यहाँ 47 में और एक बढ़ाएंगे तो 48 हो जाएगी। चौथे में वापस होने लगेगा बंद तो 48 अबंद हो गई और 169 हो जाएगी ना 69 की 30 आणि 17 47 आणि एक कमी केला 48। और यहाँ विच्छुत्ति तीसरे गुणस्थान में कुछ नहीं है। चौथे गुणस्थान में 48 में से वापिस बंद देवायु का बंद होने लगेगा इसलिए 47 अबंद हो जाएगी 70 बंद। यह हमेशा 70, 71, 72 ऐसा ही आता है याद रखना चौथे गुणस्थान में बंद योग्य। और यहाँ विच्छुत्ति कितनी होगी सामान्य में कितनी है गुणस्थान में 10 है और यहाँ पर कितनी होगी क्योंकि यहाँ के 6 प्रकृतियां ऊपर निकाली ना तो यहाँ पर केवल 4 ही रह गए अप्रत्याख्यानावरण 4 कषाय अप्रत्याख्यानावरण। अब पंचम तिरंजय गति में पांचवा भी गुणस्थान होता है देश संयत तो यहाँ पर ये 47 और 4 कितनी हो गई 51 हो गई और बंध योग्य 4 कम हो जाएगी तो 66 हो जाएगी। और यह बंध विच्छुत्ति 4 है और यहाँ आगे गुणस्थान है इसलिए 4 के 4 सब सभी के सभी बंधक योग्य ही है। वहाँ पर विच्छुत्ति कहना ये उपचार है यहाँ पर केवल ये 4 प्रत्याख्यानावरण कर लेंगे। बंध हो रहा है ना सासाधन में मनुष्य द्वीक उसका तो सासाधन में बंद होगा लेकिन तीसरे से बंद नहीं होगा उसका इसलिए दूसरे में उसकी बंद विच्छुत्ति की 6 का बंद पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है आगे नहीं होता है मिश्र में और सम्यक्तो में इसलिए उसकी बंद विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में की। ये सामान्य तिरंचे में और चारों प्रकार के तिरंचे में ऐसा ही लगेगा। अब इसमें लब्ध प्राप्त तिरंचे में एक ही गुणस्थान होता है इसलिए वहाँ कुछ लगाना ही नहीं है क्योंकि जितना बंद है उतना बंद है जितना अबंध है उतना अबंध है बंध विच्छुति का प्रश्न नहीं। अब निवृत्त पर्याप्त अवस्था है तो वहाँ पर कितनी बंध योग्य बताए निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं बंध योग्य प्रकृतियाँ 111 बताए। और निवृत्त पर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से होंगे तिरंचे गति में पहला दूसरा और चौथा ये पांचवा भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में वहां 111 बंध योग्य है तो पहले गुणस्थान में कौन सी नहीं बंधेगी निवृत्त पर्याप्त अवस्था में अभी बताया था मैंने पहले देव चतुष्क देवगति देवगत्यान पूर्वी वैक्रेक शरीर वैक्रेक अंग ये थोड़े से नियम याद रखेंगे ना बराबर सब आता है। इसका बंध चौथे में होगा लेकिन पहले में नहीं होगा इसलिए पहले में उसको क्या करेंगे अबंध करेंगे। सातवें नरक में एक याद रखना कि मनुष्य गति मनुष्य गत्यान पूर्वी और उच्च गोत्र इसका पहले दो गुणस्थान में बंध नहीं होता है आगे के गुणस्थान में होता है। और यहाँ जब निवृत्ति पर्याप्त अवस्था होती है तो पहले दूसरे गुणस्थान में इसका बंध नहीं होता है देव चतुष्क का बंध नहीं होता है नरक द्वीक का तो होता ही नहीं है चारों गुणस्थानों में और देव चतुष्क का भी बंध यहाँ नहीं होगा। तो या 4 टेनोट्स मध्ये मागते खोडले ते 14 सारखं दिसते ते 4च आहे तिथे समजायचं 4 तो 111 में 4 कम हो गए तो बंध कितना हो गया रह गया 107। और यहाँ बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियां कितनी है वास्तव में सामान्य में
16 प्रकृति है ना, तो उसमें से अपन ने नरक द्वीप नरकायु पहले ही निकाली है तो 13 ही रह जाएगी ना। 16 में से नरक द्वीप और नरकायु तो 111 में ही नहीं है, इसलिए 16 में से 3 कम हो गए तो 13 प्रकृतियों की अबंध विच्छुति होगी। और दूसरे गुण स्थान में अबंध 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। और बंध योग्य प्रकृतियां 111 में से 17 कम हुए तो कितने रह गए, 104 रह गए ना, नहीं ये 94 रह गए, 94 रह गए। और यहाँ बंध विच्छुति कितने की होगी, सामान्य इसमें पर्याप्त अवस्था में 31 बताई थी तिरंच में, लेकिन यहाँ दो आयु है ही नहीं इसमें, मनुष्य तिरंच पहले ही निकाली है ना, तो 31 में से 2 कम हो जाएगी आयु तो 29 प्रकृतियों की बंध विच्छुति होती है। और 17 और 29 तीसरा गुणस्थान है ही नहीं, तो चौथा गुणस्थान होगा तो 17 और 29 कितने हो गए, 29 और 17 तो 46 हो गए। अब इसमें से यहाँ चौथे गुणस्थान में बंध होता है किसका, देव चतुष्क का, इसलिए 4 कम हो जाएगी अबंध में से तो 42 हो जाएगी, 4 माइनस करो तो 42 हो गए। और यहाँ बंध सब 111 में से 42 कम करेंगे तो 69 का बंध होगा। और यह विच्छुत्ति 4 की ही, अभी यहाँ आगे वो गुणस्थान है ही नहीं ना, इसलिए वो जो उस गुणस्थान के जितने मतलब पूरी की पूरी विच्छुत्ति कहो या कुछ भी मत कहो तो ऐसे चलता है, सामान्य 4 है इसलिए 4 लिया है। आगे का कोई गुणस्थान यहाँ होता समझो छठा गुणस्थान, तो चौथे और पांचवे दोनों की विच्छुत्ति यहाँ पर कर देते, गुणस्थान ही नहीं है इसलिए की नहीं है। ये विजयंज गति का हो गया, गति का चरण देखो 27 नंबर के पेज में। गाथा नंबर 108 लेना है। ए ओ घो तित्ता हारुण अविर दे छिदी चौरो वरि मछन्नम चछिदी सासन सम्मे हवे नियमा। तिरिये ओघो, तिरेंच गति में सामान्य के समान है, जो विशेषता है वो बताते हैं। तित्त आहारुणो, वहाँ पर तीर्थंकर और आहारक रहित बाकी सब प्रकृतियाँ बंध योग्य है। अविरदे छिदी चौरो, अविरत में विच्छुत्ति जो है वो 4 की है, सामान्य में कितने की थी, 10 की थी, और उसमें 6 उवरियम छन्नम च छिदी, ऊपर के जो 6 प्रकृतियां हैं मनुष्य द्विक अवदारिक द्विक वज्रषभ नारद सवनन और मनुष्यायु, इन 6 की विच्छुत्ति शासन सम्य नियम है, शासन सम्यक्त्व में नियम से होती है, इसलिए यहाँ शासन में बढ़ गई विच्छुत्ति में और चौथे में से कम हो जाएगी। जो विशेषता है उतना ही बताते हैं, बाकी सब गुणस्थान के समान लगाना। अब आगे जो तिरंचों में भेद है एक उसके अपेक्षा से बताते हैं। 109 नंबर की गाथा है। मन तेरे अपंचिन दिय पुण्य गजो निनि स्वयमेव सुरणे रयाउ अपुण्य वेगुविय चक्कम विनथी। सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्र तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच और योनि तिर्यंच, इसमें एमेव इसी प्रकार है, सामान्य में जो बताया वही है। सुरनिरयाव अपुण्य वेगुव्य चक्कम विनथी, ये विशेषता है कि अपर्याप्त अवस्था में देवायु और नरकायु और वैक्रेक षटक ये नहीं है, मतलब लब्ध पर्याप्तक पांचवा भेद है ना अपर्याप्तक का, उसमें ये प्रकृति बंध योग्य नहीं है। देवायु का बंध नहीं होगा, नरकायु का नहीं होगा, मनुष्य और तिरंचायु का हो सकता है वहाँ पर, और वैक्रेक षटक का भी बंध नहीं होगा। वैक्रेक षटक मतलब देवगति देवगत्यान पूर्वी, जिसका वैक्रेक षटक ले उसका पहला नाम लेना, वैक्रेक शरीर
वैक्रिक अंगोपांग देवगति देवगत्यान पूर्वी नरगति नरगत्यान इन छः का बंध वहाँ नहीं होता है। कहाँ पर? लब्ध पर्याप्त में लेना। कहाँ पर्याप्त लेना? क्योंकि पांच भेद है ना, उसका वो चार भेद का ऊपर बताया, पांचवा भेद का यहाँ बताया। हम मनुष्य गति का बताते हैं, वो भी ले लेते उतना सरल है मनुष्य गति का। 110 नंबर की गाथा है। आहारम च अत्येमेव सामण्य पुण्य मनुषिणि नरे अपुण्ये पुण्येव अपुण्ये तित्ताहारम च बरारे तिर्येव नरे तिर्यंच का जैसा लगाया वैसा ही मनुष्य में है। विशेषता ये है कि वहां पर तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध होता है। तिर्यंच में निकाली थी वो तीनों प्रकृतियां, उसका बंध कहा था, लेकिन मनुष्य गति में तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध होता है। एमेव इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी मनुष्य में भी लगाना। मतलब मनुष्य के कितने भेद करते हैं? चार भेद, तिरंजे के पांच और मनुष्य के चार। कौन सा एक कम किया मनुष्य में तिरंजे से? आपले माहिती नाही सांगा, विचार करत नाही, डोकं लढवत नाहीत। कौन सा भेद कम किया? वर्षा दे दे। तिरंजे के पांच भेद किए और मनुष्य के चार किए, तो कौन सा एक कम किया? पंचेंद्रिय भेद। परसों भी बताया था कि पंचेंद्रिय भेद मनुष्य में नहीं होता है, क्योंकि सब मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, उसमें एक इंद्र अधिक नहीं है। तिरंजे में क्यों करना पड़ा? तो उसमें एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के जीव है, इसलिए वहाँ पंचेंद्र जीवों का अलग निकाला। लेकिन मनुष्य सब पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए पंचेंद्र भेद उसमें नहीं है। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिमत मनुष्य और लब्ध पर्याप्त मनुष्य, इस प्रकार चार ही भेद उसके होंगे। तो वहाँ तीन के तो वैसा ही लगाना सामान्य मनुष्य के समान, और लब्ध पर्याप्तक में तिर्यंच का जो लब्ध पर्याप्तक का लगाया वैसे ही लगाना। लब्ध पर्याप्तक में कितने बंध योग्य बताए? वहाँ तिर्यंच गति में 109 बताए ना, 100 वो बंध योग्य 9 बताए, मतलब 11 निकाले। कौन कौन से 11 नहीं होते बंध? वैक्रियक अष्टक लेना, उन्हें वैक्रियक गति, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक बंधन, वैक्रिक अंगोपांग शरीर और अंगोपांग, देवगति देवगत्यानपूर्वी, नरक गति नरकगत्यानपूर्वी, देवायु और नरकायु, ये दो आयु लेना, और तीर्थंकर और आहरक द्विक, इनका बंध लब्ध पर्याप्तक में नहीं होता है, वैसा ही लगाना वहाँ। तो और मनुष्य के जब गुणस्थान घटित करेंगे तो 14 गुणस्थान होंगे, और 14 गुणस्थान में जैसा गुणस्थान में लगाए वैसा ही लगाना। केवल वहाँ फर्क क्या करना? तिर्यंच के समान बंध विच्छुत्ति दूसरे में कितने की करेंगे? 31 की करेंगे। क्योंकि दूसरे गुणस्थान में वहां पर मनुष्य भी दूसरे गुणस्थान तक ही मनुष्य गति का बंध करते हैं, आगे तीसरे गुणस्थान से नियम से देव गति का ही बंध होता है। इसलिए मनुष्य में भी जब गुणस्थान का लगाएंगे चार्ट, तो वहां पर दूसरे गुणस्थान में 31 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी, 25 सामान्य की और 6 मनुष्य की अपेक्षा से। इस प्रकार 31 का वहां पर बंध विच्छुत्ति है। अब आगे देव गति की अपेक्षा से है, दुपारे इसकी वे का देव गति करण ते सग घटवा लागेल। सावधान अपने उपयोग को एकाग्र करके पहले आसन को स्थिर बनाइए। आसन की स्थिरता उपयोग की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अपने उपयोग को स्थिर करके इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान भगवान आत्मा को जानिए। सवेरे मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया, लेकिन अंदर बैठे इस देह रूपी देवालय में जो
जो चैतन्य प्रभु है उसका दर्शन नहीं किया, अब कीजिए। इसी शरीर में मेरा निजी आत्मा, शाश्वत आत्मा, ध्रुव आत्मा विद्यमान है, जानिए, अपने वास्तविक स्वरूप को जानिए। ये दिखाई देने वाला स्वरूप यह मेरा नहीं है, शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, जो चैतन्य का रूप है वह मेरा रूप है। चैतन्य दिखाई नहीं देता है, प्रतीति में आता है, कीजिए चैतन्य की प्रतीति। इसी शरीर में संपूर्ण प्रदेशों में एक महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो महसूस हो रहा है, ये महसूस होना ही चैतन्य की निशानी है, जानिए। चैतन्य है इसलिए महसूस हो रहा है, और यह चैतन्य मैं हूँ, जानिए। यह मेरा चैतन्य अनादि मुक्त है, शरीर से कर्म से बंधा हुआ नहीं है। स्वभाव से देखिए, संयोग की अपेक्षा देखेंगे तो बंद दिखाई देगा, इसमें जो मूल वस्तु है उसकी तरफ देखिए, चैतन्य तो छूटा हुआ ही है, चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही है, वह शरीर या कर्म स्वरूप नहीं हुआ है, कर्म मुझे स्वरूप नहीं हुआ है। इस मेरे चैतन्य स्वरूप में बंध नहीं है, बंध ही नहीं तो बंध विच्युति अबंध का प्रश्न ही नहीं है, जानी। मैं कर्म के बंध को केवल जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानिए। अपने न्यायिक स्वरूप को जानिए, जानने वाले को जानिए, जो जान रहा है इस गुणस्थान में इतने बंध विच्युति, यह जानने वाला जो जीव है इसको जानिए। ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो परम मंगल स्वरूपो बंधा बंध विकल्प रहित स्वरूपो शुद्धोहम एकोहम। न्यायक स्वरूपो विसर्जन। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोये सम।